नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी टीवी 24 न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपके साथ सरम सर। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। कैंट थाना क्षेत्र में नाबालिग किशोरी का अपहरण कर हत्या करने के मामले में गुना पुलिस ने चंद घंटों में किया पर्दाफाश। अपनी ही नाबालिग पुत्री का गला घोटकर हत्या कर उसकी लाश के साथ दुष्कर्म करने का मामला। कलयुगी हैवान पिता गिरफ्तार। घटना को अंजाम देकर स्वयं ही आरोपी द्वारा अपनी पुत्री के गायब होने की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई थी। गुना से नरेंद्र कुशवाहा की खास रिपोर्ट। कल दिनांक 22 फरवरी को कैंट थाना क्षेत्र में एक फरियादी द्वारा यह शिकायत की गई थी, फरियादी दिलीप सिंह भील द्वारा, कि उसकी बच्ची दोपहर 12 बजे से गायब है और कुछ लोग उसका अपहरण करके ले गए हैं। ऐसी सूचना पर तत्काल पुलिस फोर्स को लगाया गया। इसमें CSP TI कैंट, उनकी टीम और इसके अलावा जो आसपास के थाने हैं म्याना, भमोरी, इधर से पूरी टीम लगाई गई। बिनख्याई के जंगल की तरफ जाना ज्ञात हुआ था, वहाँ पर टीम पूरी गई, सर्चिंग की, कुछ ज्ञात नहीं हुआ। इसी बीच में जो दिलीप सिंह है उसकी पत्नी के कथन, अर्थात उस पुत्री की माँ के कथन और अन्य आस पड़ोस के कथन लिए गए, जिसमें कि दिलीप सिंह के साथ ही उन्होंने दोपहर में जाते हुए देखना बताया, जिसको कि दिलीप ने छुपाया था। ऐसी स्थिति में दिलीप को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की गई। उसके द्वारा एक घृणित कृत्य करना कबूल किया गया, जिसमें कि उसने अपनी बच्ची का जंगल में ले जाकर मर्डर किया एवं उसके साथ रेप किया। उसको सख्ती से पूछताछ की, उसको मौके पर ले जाकर लाश की बरामदगी उसी से की गई। जंगल में डेड बॉडी पड़ी हुई थी। इसका ये कहना था कि इसका जो साला है, दिलीप का साला, उससे बच्ची के अवैध संबंध थे जो कि इसने देख लिए थे, जिसके कारण घृणा होते हुए उसने ये काम किया है और बच्ची को गला दबाकर इसने मारा। गले में जो दुपट्टा है उसकी गठान से और गला घोटा और बच्ची का रेप किया। इस प्रकार ये घृणित कृत्य इस पिता द्वारा किया गया। इसको शीघ्र गिरफ्तार किया गया है, हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। डेड बॉडी का पोस्टमार्टम हो गया है। सारे साक्ष्य, वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्र करके इसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। हमारी फॉरेंसिक टीम जो कि वैज्ञानिक तथ्य एकत्र करती है, हमारी पुलिस की टीम, ये पूरी रात लगी रही और पूरी रात में इस आरोपी को गिरफ्तार करके मामले का पटाक्षेप हुआ है और सारे साक्ष्य एकत्र कर लिए गए हैं। इसमें नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। कैंट की टीम ने बहुत अच्छा कार्य किया है, उनको पृथक से इसमें पुरस्कृत किया जा रहा है।